कानपुर जालपानगर परमपुरवा स्थित धर्मस्थल में सम्राट अशोक मानव कल्याण एवं शिक्षा समिति तथा हमारा ब्लैंक बोर्ड फाउंडेशन, युवा शक्ति सेवा संगठन एवं पुलिस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी की वर्तमान दशा पर विचार गोष्ठी एवं हिंदी प्रेमी लेखकों रचनाकारों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दी कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। इस अवसर पर सावेस एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा अंग्रेजी की कैद में गुलाम हिंदी आजाद होगी कब शीर्षक पर आधारित ऑनलाइन लेख एवं काव्य रचना का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम हिंदी प्रेमी साहित्यकारों रचनाकारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुशीनगर के उपेंद्र तिवारी का लेख सर्वश्रेष्ठ एवं फरीदाबाद हरियाणा की सोनल उमाकांत की रचना सर्वश्रेष्ठ रही। तमाम अन्य शहरों से श्रेष्ठ एवं सराहनीय लेखकों और रचनाकारों को आज श्री गणेश तिवारी जी के मुख्य आतिथ्य एवं डॉक्टर पूनम मदान जी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कानपुर शहर के जिन प्रतिभागियों को श्रेष्ठ लेखन एवं रचना के लिए सम्मानित किया गया, उनमें से आदित्य विक्रम श्रीवास्तव, शालिनी कुशवाहा, धर्मेंद्र त्रिवेदी, समीक्षा द्विवेदी, आयुषी गुप्ता, प्रशांत चौरसिया सहित कुल 12 प्रतिभागी थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतुल आक्रोश, संदीप तिवारी, संध्या सिंह, दीपचंद्र, महमूद आदि उपस्थित रहे।